अब इस वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ रहे हैं, दैट इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। हमने देखा था कि एक शेड्यूल के मल्टीपल नॉन सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं और हर नॉन सीरियल शेड्यूल जो हो वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कौन सा नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा जिससे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल होगा, उसकी दो टेक्निक्स हैं चेक करने की। एक था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, अब दूसरी टेक्निक क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो यहाँ पर भी हम किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को देखकर पता करेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू कि वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो करेक्ट होगा कि नहीं होगा, सेम एज सीरियल शेड्यूल। कंसीडर टू शेड्यूल्स एस एंड एस डैश वेयर सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेट इन बोथ दी शेड्यूल्स। तो दो शेड्यूल्स हैं हमारे पास, एक एस है एक एस डैश है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है। अगर इसमें T1 T2 है तो इसमें भी T1 और T2 ट्रांजेक्शन होंगे। शेड्यूल एस एंड एस डैश आर सेट टू बी व्यू इक्वेलेंट इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस मीट। तो किस दो शेड्यूल्स को हम कब कहते हैं कि वो व्यू इक्विवेलेंट है, जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन क्या है, फॉर ईच डेटा आइटम क्यू इफ ट्रांजेक्शन टी आई रीच द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू इन शेड्यूल एस, देन टी आई मस्ट इन शेड्यूल एस डैश ऑल्सो रीच द इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू। तो अगर शेड्यूल एस और एस डैश दो शेड्यूल्स हैं और अगर कोई ट्रांजेक्शन टी आई एस शेड्यूल में इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू को रीड करता है और अगर एस डैश में भी टी आई ट्रांजेक्शन क्यू वैल्यू को इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू को रीड करता है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये व्यू इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। लेकिन हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों की तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हम कहेंगे वो व्यू इक्विवेलेंट है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये है कि अगर टी आई ने इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू रीड करी एस में तो एस डैश में भी उसको इनिशियल वैल्यू ऑफ क्यू को रीड करना होगा। अगर ये दोनों मैच करें तो हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या थी, फॉर ईच डेटा आइटम क्यू इफ टी आई एग्जीक्यूट्स रीड क्यू ऑपरेशन आफ्टर राइट क्यू ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी जे इन शेड्यूल एस, देन टी आई मस्ट एग्जीक्यूट द रीड क्यू ऑपरेशन आफ्टर द राइट क्यू ऑपरेशन ऑफ टी जे इन शेड्यूल एस डैश ऑल्सो। ये डर्टी रीड की प्रॉब्लम जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल में बताया था। सपोज़ ये शेड्यूल एस है, ठीक है, इसमें अगर T2 ट्रांजेक्शन ने रीड क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसके बाद, T1 के राइट क्यू के बाद, ठीक है। T2 ने क्या किया, रीड क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसके बाद, T1 के राइट क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। T2 जो है जो वैल्यू क्यू की T1 ने राइट की होगी, ठीक है, डेटाबेस में T1 ने जो क्यू की वैल्यू राइट की होगी उस वैल्यू को वो रीड कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसने T1 ने जो डेटा राइट किया उसको ही रीड कर रहा है कौन, T2 ट्रांजेक्शन। तो इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है वो, तो ये डर्टी रीड प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, राइट जेड हुआ है फिर रीड जेड हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने क्या कहा है, फॉर ईच डेटा आइटम क्यू इफ टी आई एग्जीक्यूट रीड क्यू ऑपरेशन आफ्टर द राइट क्यू ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी जे इन शेड्यूल एस। सपोज टी आई शेड्यूल है, सपोज ये टी आई ट्रांजेक्शन है और ये टी जे है, तो टी आई ने क्या किया है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया आफ्टर राइट ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन टी जे। टी आई ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया क्यू पे किसके बाद, टी जे के राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, शेड्यूल एस में। तो टी आई मस्ट एग्जीक्यूट द रीड क्यू ऑपरेशन आफ्टर द राइट क्यू ऑपरेशन ऑफ टी जे इन शेड्यूल एस डैश ऑल्सो। तो टी आई को यही सेम स्टेप किस में परफॉर्म करना चाहिए, एस डैश में भी, ठीक है। यानी कि टी आई को पहले रीड, टी आई जो है बाद में ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा टी जे के राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो हमारी ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या होगा, फॉर ईच डेटा आइटम क्यू इफ द ट्रांजेक्शन टी आई परफॉर्म द फाइनल राइट क्यू ऑपरेशन इन शेड्यूल एस मस्ट ऑल्सो परफॉर्म द फाइनल राइट क्यू ऑपरेशन इन शेड्यूल एस डैश। अगर किसी ट्रांजेक्शन ने किसी डेटा आइटम पे
फाइनल राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर किसी ट्रांजैक्शन टीआई ने डेटा आइटम क्यू पर फाइनल राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया शेड्यूल एस में, तो उसको यही फाइनल राइट ऑपरेशन एस डैश में भी परफॉर्म करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, राइट जेड, किसने परफॉर्म किया, टी टू ने। तो अगर ये एस डैश एस शेड्यूल है तो एस डैश में भी टी टू को जेड जेड वेरिएबल की वैल्यू को राइट करना होगा लास्ट स्टेप में, लास्ट ऑपरेशन में। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो शेड्यूल एस एस डैश है वो आपस में व्यू इक्वलेंट है। तो अ शेड्यूल एस इज सेट टू बी व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट इज व्यू इक्वलेंट। तो किसी भी शेड्यूल एस को हम कब कहते हैं कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है, जब वो व्यू इक्वलेंट होता है। तो व्यू इक्वलेंट वाले शेड्यूल्स को ही हम कहते हैं व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल।